तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। अभी बजे है 11, हम आ गए किचन में क्योंकि किचन में बनाना है खाना, लौकी की सब्जी, मिर्चा भी फ्राई करना है। तो रोहित को लगे बहुत तेजी से भूख लगे, तो बोल रहे मुझे बनाना की वेफर खानी है। क्या खाना है? बनाना की वेफर। तो कच्चा बनाना आए है ना कल, तो उसको भी वेफर खाना है। तो मैंने सोचा अभी टाइम लगेगा इसलिए मैं दोपहर में करूंगी। तो अभी खाना बनाना है, तो अभी आरोही सो रही है। तो यहाँ पे आरोही रेडी हो चुके हैं ना धोके, फ्रेश आलू ढींगली तो पड़ी जिस बेटा उन्दू जो है चाले गए 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 गए। तो कल क्या हुआ था कि कल रात दर्शक और काका पापा सब 3 बजे सोए क्योंकि ऑर्डर दिया बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया और ऑर्डर बहुत ही सारा आ रहा है, अभी तो पता नहीं कहाँ पे पहुंचेगा। तो अभी दर्शक थोड़े काम में बिजी है, तो मैंने सोचा थोड़ी मैं हेल्प कर देती हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा मैं शूट करती हूँ थोड़ा और शूट करते हैं। कच्चा बनाना आ गया है क्योंकि उसको रूही को खाना है वेफर, कच्चा बनाना की वेफर। बाहर से लेते हैं ना तो क्या होता है ऑयल अच्छा वाला नहीं होता, इसलिए घर पे अच्छी बनती है। दोपहर में बनाने वाले हो वेफर तो आपके साथ भी शेयर करूँ और दिखाऊंगी सब। क्या है लौकी की सब्जी बनानी है और टमाटर भी कट हो गया है, तेल आ गया है, अभी फ्राई कर लेते हैं। मिर्चा क्या होता है कि रोज बहुत अच्छा ही लगता है। यहाँ पे देखो सब्जी भी रेडी हो रही है, यहाँ पे दर्शक आ गए किचन में फ्री होके। ओहो, फ्री होके नहीं, एडिट करने आया हूँ, ऑफिस में काम भरा पड़ा है। अरे बाप, लेकिन एडिट करके अभी मुझे 1 बजे वीडियो रखना है, भूख लगी। सब्जी कौन सी बनाई? लौकी चकली चकली चकली। अरे वाह, करे 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 तू। अरे 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 ओहो, अहो चलो गाय जो जाऊ छे गाय गाय दादा आए हैं तो भी उसको भी खाना है क्योंकि दोपहर हो गया है, तो भी उसको बहुत भूख लगी है तो खाना दे दिया है दादा को, खा रहे हैं। दादा को बहुत भूख लग गई है क्योंकि बहुत काम करते हैं ना इसलिए। दादा धरा जा, दादा को अच्छा लगा। तो क्या है कि बाहर से आए थे ना तो बहुत भूख लगती है ना, अभी कितने 1 बज गए है तो उसको भूख लगी थी, तो बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए है कोई रहा है अभी। मजा आएगी ना? मजा आएगी, तो नहीं छोटा था ना, इससे पहले भी ब्लॉग में अपने दादा को देखा होगा, दादा जब भी निकलते बचपन से वो जो डब्बे पत्रा होता है ना डब्बे, उसका पूरा पेटी वगैरह सब बनाते, तो जब भी यहाँ पे आते हैं खाना खा के जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। केम छे दादा हमरा वेचाण बधुं हाले करे? हां धीमे धीमे हाले छे, बहु हाले छे ने? धीमे धीमे। हारो हारो, गाँव बहु नी जरूर छे, अच्छा लई जाओ, लई जाओ ने, पे लई जाओ सोता थी। तो यहाँ पे पूरी डिक्की भर गई है और अभी चल रहे पार्सल को डिलीवर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी बजे 4, मैं आ गई किचन में क्योंकि आज मुझे बनाने वेफर बनाना थी। रूही बोल रही थी सुबह से कि मुझे वेफर खाने, लेकिन दोपहर में क्या होता है मुझे खाना बनाना था तो टाइम नहीं था, तो अभी ये सो रही है, तो मैंने सोचा अभी मैं वेफर बना के उसके लिए रखती हूँ रेडी, ताकि उसका रिएक्शन देखना है कैसा है। अभी उसको पता नहीं है, सोती है, वो पहले बना के उसको दे देते है। चलो तो अभी पहले छिलका निकलना है उसका और बाद में सब प्रोसेस करेंगे, दिखाते हैं। तो यहाँ पे रूही आ गई उठ के, रूही देख गई, रूही ये क्या किया फेस पे। बनाना में लेकर मम्मी पे रखा है ना तो वो देख के खुश हो गई कि मम्मी अभी फाइनली वेफर बना रही है, वेफर खाना है ना बेटा। सरखी कर कंटी, सरखी कर। उठी है अभी जस्ट, तो मैं सोच रही थी कि वो भी सो रही है तो मैं उससे पहले वेफर बना के उसको देना है, लेकिन अभी सब पता चल गया है रूही को, तो अभी तो सरप्राइज चली गई। अभी चलो स्टार्ट कर देते हैं वेफर, क्योंकि आरोही सो रही है तो अभी हो जाएगा। पहले तो इसको छिलका निकालना है बनाना का और बाद में चिप्स करनी है। कपल पे क्या किया है तूने? क्या किया? मैंने छिलके उतार दिए हैं और यहाँ पे तेल भी रख दिया है, तो अभी करेंगे, मशीन भी आ गया है तो अभी चिप्स बनाएंगे और फ्राई करेंगे साथ ही साथ। यहाँ पे देखो वेफर फ्राई हो रही है और यहाँ पे आधी हो गई है, बहुत मस्त बनी, थोड़ी सी बाकी है अभी तो फ्राई करना भी चालू है, बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करो घर पे, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने कभी बनाया नहीं है, फर्स्ट बार बनाया है, लेकिन बहुत अच्छी बनी है तो अच्छा है।
फ्रेंड्स बहुत क्रिस्पी बनी है, देखो वाओ, इसे टूट जाती है, बहुत ही अच्छी बनी है। यहाँ पे भी फ्राई हो गई है तो अभी निकालना है वरना जल जाएगी। चख लेते हैं कैसी बनी है। तो बहुत मस्त क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनी है, टेस्टफुल में बहुत अच्छे है। कि मसाले में कुछ डालना नहीं, संतरा ही डालना है और कुछ नहीं डालना है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। प्यारो ये भी वेफर खा रही है और एंजॉय कर रही है, देखो देखो ये उसको कितना मजा आ रहा है। आरु वो भाभी ची वेफर तने अभी बाबू को भी देने जाना है कि कैसी बनी है टेस्ट में, तो वो भी चखेंगे। तो चलिए उसके घर, बाबू कुछ काम में पड़ गए है, मांडवी साफ करो छो। अरे वाह, वो वेफर जो घरे बनाए चाखो तो, बनाना नहीं वेफर। रोहित सवार ने कहती थी खावी छे, मैं कीधुं बनाई दो। कैसी बनी बाबू? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ओके संचोड़ नाख्यो, देख मांडवी खावानो सीन तो खा। लाओ चा खिलो थोड़ी, आटली बधी पण केम खवाई। सभी बचे छे और शाम ढल गई है, तो आज अभी मुझसे टमाटर की सब्जी और बाकी खाएंगे। आरु, 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 ये आरु। अपने आप उतर गई, देख ये देखो क्या जाऊ छे तारे, ये चकली चकली, देखो देखो देखो। रूही यहाँ पे पानी पिला रही है पौधे को। हेलो रूही, क्या कर रही हो? पानी पिला। अरे वाह बहुत क्यूट लग रही हो तुम ही। रात होने आई है अब। ये बाप रे बाप रे, कैसा गुस्सा आ रहा। जब यहाँ पे आरती करते हैं ना तब यहाँ पे आ जाते हैं दोनों बहने। और चलिए चलते हैं किचन में किंजल के पास। तो किंजल क्या बना रहे हो अभी? सेव टमाटर की सब्जी और भाखरी। अच्छा, सेव टमाटर की सब्जी और भाखरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो किंजल की सेव टमाटर वाली सब्जी बहुत ही बढ़िया बन रही है, तो ये भी मजा आता है खाने को। और साथ में है साथ में है नमक डाल के बहुत ही बढ़िया मर्चा। भाखरी आधा बाकी है। और क्या बनाया था? बनाना की वेफर। तो लोगों को बताया नहीं? लोगों को तो बता दिया है लेकिन आपको नहीं बताया। अच्छा ऐसा है, स्कूल जाओ ले जाओ। पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ तो किंजल पूरा दिन जो भी उनसे बनता है उतना शूट करके आपको मतलब एंटरटेनमेंट करवाने की पूरी कोशिश करती है। तो किंजल को थैंक यू सो मच, मेरे काम में मदद कर रही है, दोनों बच्चों को संभाल के। अच्छा, हमारे काम है तो हम ही करेंगे ना। क्या बात है, सही बात है। और बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हो, वाह सेव टमाटर की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी उबल रही है बहुत ही मस्त। और यहाँ पे देखो ये चकली, काली बाड़ा चकरा, ये चकली। जब पापा यहाँ पे भगवान को आरती कर रहे हैं, ये पागी पागी पागी, ये पागी पागी, ये पागी पागी। देखो खुश होते है ना तब भी घूमती रहती है, देखो कुदा कूद करती रहती है पूरा दिन। टॉप बहुत ही बढ़िया है। 10:15 रात का बज चुका है और यहाँ पे हमने आटा वापस बनाना कर दिया शुरू। अयोध्या की प्रोसेस बनती जा रही है, भैया ने ले लिया है। यहाँ पे सारा काजू कटिंग हो चुका है, बादाम कटिंग हो चुका है, अभी इसको छानना पड़ता है ताकि जीना जीना सब निकल जाए। अयोध्या आज भी बनने जा रहा है, देखो पूरा मसाला ऐड करके कर दिया इसमें गर्मा गर्म सारा ताज लविंग सफेद मरी और सबसे ज्यादा अच्छी हमारे सेहत के लिए सूट सारा पाउडर देखो इसमें मिक्स कर दिया है, अभी वो डालेंगे सारा अयोध्या में। और यहाँ पे और भी जावित्री जो हमारी सेहत के लिए द बेस्ट मतलब, तो ये भी यहाँ पे अभी मिक्सर में पील के रेडी कर देंगे। और ये है मस्त पाउडर, सूट का पाउडर, ये पाउडर मतलब सब कुछ रेडी है। घी का प्रमाण बहुत ही बढ़िया है,
घी डालते जाओ, अड़दिया बनाते जाओ। इसमें मस्त मावा भी डाल देते हैं क्योंकि मावा से अड़दिया की सॉफ्टनेस बहुत ही बढ़िया आती है, तो मावा भी मस्त यूज किया गया है। चलिए अड़दिया को तब से आधे पौने घंटे से अभी इसको मिक्स किए जा रहे हैं, तब जाकर ये पूरा मिक्स होता है। तो इसको बहुत ज्यादा सेकना पड़ता है, इसको लोट को सेकना पड़ता है। ये पूरी प्रोसेस में ये ही मेन बात है, सेकना है पूरी तरह से। अगर लोट सेका नहीं गया तो यहाँ पे मस्त मसाला सारा मिक्सिंग हो रहा है अड़दिया के अंदर। और आप यहाँ पर हो नहीं, वरना इसकी जो स्मेल आ रही है ना, वो आप अगर सांसों में डालते ना तो आपको अड़दिया अभी गर्म गर्म खाने का मन हो जाता है। अभी इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे है ये बादाम है और यहाँ पे है काजू, तो दोनों अभी धीरे धीरे इसके अंदर डालते जाएंगे। वाह बादाम बहुत ही बढ़िया, दिल खोल के बादाम डाल रहे हैं राजू भाई, थाली भर के, और दूसरा थाली भर के डाल रहे काजू। तो क्या आपके मुंह में भी अड़दिया के साथ बादाम और काजू का टेस्ट भी आ जाए। क्या चमक रहा है भाई अड़दिया अभी, काफी लोग बोलते हैं कि आपका अड़दिया बच्चे जब भी बनाते हो तो मुंह में पानी आ जाता है।